भगवती श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा है कि घर में तुलसी का पौधा क्यों लगाया जाता है, इसकी क्या महिमा है। अपने ज्ञान एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने का हमारा प्रयास रहेगा। हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना उपयोगी पौधा जब नित्य हमारे घर में रहता है तो इसके प्रति हमारी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। तुलसी की उत्पत्ति के विषय में आपने एक पौराणिक कथा सुनी होगी। जालंधर नाम का राक्षस था, उसकी पत्नी थी वृंदा। वृंदा बहुत ही पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। उसके इस पतिव्रत धर्म के पालन के बल की वजह से जालंधर बहुत शक्तिशाली हो गया था और उसने सभी जीवों को सताना शुरू कर दिया, उन पर अत्याचार करने लगा। भगवान विष्णु ने सभी जीवों को जालंधर के इस प्रकोप से बचाने के लिए उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट किया। पतिव्रत धर्म नष्ट होते ही वृंदा भस्म हो गई और अंत समय में उसने भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर बन जाएंगे, शिला बन जाएंगे। तब से ही भगवान शिला के रूप में, शालिग्राम शिला के रूप में पूजे जाने लगे। और जो वृंदा थी जब जलकर भस्म हो गई तो उस भस्म के स्थान से, उस भस्म के अंदर से तुलसी के पौधे का प्राकट्य हुआ, वहाँ से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। वही तुलसी का पौधा आज तक सभी घरों में पाया जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, हमारी संस्कृति में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शालिग्राम शिला के रूप में विद्यमान भगवान विष्णु ने वृंदा को यह भी कृपा प्रदान की कि जो भी व्यक्ति तुलसी की पत्ती शालिग्राम शिला पर अर्पित करेगा वह अपने जीवन में धन धान्य तथा घर के सुख समृद्धि से विभूषित रहेगा, उसके घर में सदैव सुख समृद्धि रहेगी। भगवान विष्णु ने वृंदा को अपनी पत्नी के रूप में स्थान दिया, तभी से शालिग्राम भगवान विष्णु तथा वृंदा अर्थात तुलसी भगवती महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती रही हैं। भगवती महालक्ष्मी के रूप में तुलसी माता की पूजा दीपावली को विशेष रूप से की जाती है। पुराणों के अनुसार यह भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी के पत्र, तुलसी दल भगवान शालिग्राम को अर्पित करता है उसके घर में वैवाहिक समस्याओं का तुरंत समाधान होता है, उसके घर में विवाह संबंधी समस्याएं नहीं रहती है और पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुलसी का पौधा, तुलसी की पत्तियां और गंगा जल ये कभी भी बासी नहीं होते हैं। यदि आप किसी भी पेड़ पौधे अथवा अन्य भोजन को एक दिन बना करके रख लेते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों को तोड़ करके रख लेते हैं, तो अगले दिन या दो दिन बाद उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन पुराणों के अनुसार तुलसी का पत्र तथा गंगा जल कभी भी बासी नहीं होता है, इन्हें कितने भी दिनों बाद काम में लिया जा सकता है, इनके गुण सदैव इनमें विद्यमान रहते हैं। तुलसी के पौधे को नित्य प्रति जल देना चाहिए तथा एक दो पत्ते उसमें से तोड़कर भगवान शालिग्राम को अथवा शंख को अथवा भगवान विष्णु की या कृष्ण की जो भी मूर्ति या तस्वीर हो वहां अर्पित करनी चाहिए। इससे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र को तोड़ने के लिए कुछ दिनों का निषेध बताया गया है। इन विशेष दिनों में तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। पुराणों के अनुसार रविवार, एकादशी, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के सूतक के समय तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सामान्यतया सामान्य जन यह जानना चाहते हैं कि तुलसी के पौधे को घर में किस जगह पर रखा जाए, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगाया गया है उस गमले को कहाँ रखा जाए। बहुत बार
अपने वास्तु विजिट के दौरान मैंने यह देखा है कि बहुत से लोग तुलसी के इस पौधे को, इस गमले को बिल्कुल गलत जगह रखते हैं या फिर ऐसी जगह रखते हैं जहां कि इसका अपमान होता है। बहुत से स्थानों पर देखने में आया है कि लोग इस तुलसी के पौधे को सीढ़ियों में रखते हैं। सीढ़ियों में रखने से आप जब भी सीढ़ियों पर चढ़ते या उतरते हैं तो आपके पैरों की गंदगी, धूल उड़ करके लगती है और इस पौधे पर गिरती है। इससे इसका अपमान होता है और तुलसी का अपमान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत से लोग अपने घर के मुख्य गेट के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर इस पौधे को रखते हैं। वहाँ हर प्रकार के लोग आते जाते हैं और लोगों का इस पौधे से स्पर्श होता है, जो कि ठीक नहीं है। तुलसी का पौधा सदैव ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ कि ये पवित्र रह सके और प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति इसको स्पर्श नहीं कर सके। कुछ जगह पर यह भी देखने में आया है कि जगह के अभाव में लोग बालकनी में या और किसी जगह पर इस पौधे को रख लेते हैं और इस पौधे के ऊपर की ओर कपड़े सुखाने के लिए तार बांधते हैं, उस तार पर कपड़े सुखाते हैं। तुलसी के पौधे के ऊपर कपड़े सुखाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन कपड़ों से गिरने वाला पानी तुलसी के पौधे में गिरता है, इससे इसका अपमान होता है। यदि पानी भी नहीं गिरे तो भी हमारे पहने हुए कपड़े किसी भी दैवीय वस्तु के ऊपर, चाहे भगवान की तस्वीर हो, भगवान की मूर्ति हो या इस प्रकार के दिव्य पौधे हो, उनके ऊपर हमारे पहने हुए कपड़े नहीं टांगने चाहिए। अतः तुलसी का पौधा अपने घर में कभी भी ऐसी जगह ना रखें जहाँ की इसे गंदे हाथों से स्पर्श किया जाए, धूल मिट्टी या फिर गंदगी इस तक पहुँच पाए। बहुत से लोग शूरेख के आसपास अपने गेट के पास तुलसी का पौधा रख लेते हैं, ये बहुत ही गलत है। तुलसी का पौधा एक दिव्य पौधा है, इसको सदैव सम्माननीय तथा स्वच्छ जगह पर रखना चाहिए। रोजाना तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए। जो दिन बताए गए हैं उन्हें छोड़कर रोजाना इसमें जल दें तथा जब जब इस तुलसी के पौधे में फ्लावर्स आने लगे, मंजरी आने लगे, तो उस मंजरी को तोड़कर भगवान को चढ़ा दें। मंजरी आने से, फ्लावर्स आने से यह तुलसी का पौधा जलने लगता है। अतः जल्दी से जल्दी इस मंजरी को तोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें तो यह पौधा जलने की बजाय, समाप्त होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथा आध्यात्मिक दृष्टि से महालक्ष्मी का स्वरूप माने जाने वाले इस तुलसी के पौधे को आप अपने घर में रखें, इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ लें तथा अपनी संस्कृति को बनाए रखें एवं इसका लाभ लें। आशा है तुलसी के संबंध में बताई गई जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। ओम स्वस्ति।